एक और खबर सामने आ रही, बता दें कि बुलंदशहर में पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। जिस तरीके से आज प्रदेश भर में परीक्षा चल रही है, बुलंदशहर में भी आज पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। 10 परीक्षा केंद्र हैं यहां पर और 5 दिन में कुल 10 पारियों में ये परीक्षा होगी। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया और कहीं भी कोई चूक ना होने पाए इसके लिए तमाम पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस कर्मी केंद्रों पर नजर आए। पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, दूसरी पारी के लिए तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। चाक चौबंद इंतजाम यहां पर नजर आए। पिछली बार हुई कहीं ना कहीं चूक को लेकर प्रशासन काफी सख्त दिखा और कोई भी चूक इस बार ना होने पाए और इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए, इसको लेकर विशेष आला अधिकारियों का ध्यान रखा और तमाम पुलिस कर्मियों की टीमें गठित की गईं और कई स्तर की लेयर, कई लेयर्स की चेकिंग होने के बाद परीक्षार्थियों को केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। आज 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है। बुलंदशहर में पुलिस भर्ती परीक्षा आज संपन्न हो चुकी है। बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज परीक्षार्थी, लाखों परीक्षार्थी प्रदेश भर में अपने भाग्य आजमा रहे हैं, इसको लेकर तमाम व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। अधिक जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, क्या कुछ इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ नजारा अभी तक नजर आया, क्योंकि पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, क्या कुछ छात्रों का कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्रों पर आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाई गई है। सभी आज पहली पारी जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा देकर बाहर आए हैं, पहली पारी में जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने सहकुशलता से इस परीक्षा को देना बताया है। और छात्रों जो परीक्षार्थी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं भी कोई धांधली अभी तक नहीं हुई है और प्रशासन की देखरेख में सारी जो परीक्षा चल रही है वो एकदम सहकुशल चल रही है। आपको बता दें बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी आज सुबह से ही इस परीक्षा को लेकर के सभी केंद्रों पर पहुंचकर नजर बनाए हुए हैं। प्रत्येक जो जनपद बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, प्रत्येक केंद्र पर जाकर के उन्होंने परीक्षा केंद्रों को चेक किया है और हर जानकारी वहां से ले रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन भी इसमें जुटा हुआ है। और विशेष बात यह है कि जो बुलंदशहर के एसएसपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी सूरत में कोई भी त्रुटि सामने आएगी तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि आज प्रदेश भर में परीक्षा चल रही है, 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। इसको लेकर बता दें कि बुलंदशहर में भी काफ़ी कुछ सख्त नियम वहां पर दिखाई दिए। कई लेयर्स की चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है और तमाम आला अधिकारी भी केंद्रों पर नजर आए और इसके लिए कई टीमें गठित की गई हैं। बता दें कि डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है। बुलंदशहर में इसको लेकर 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर आज हजारों परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। दूसरी पारी की परीक्षा के लिए शामिल होने जा रहे हैं, वहां पर छात्रों का आना शुरू हो चुका है। 5 दिन में कुल 10 पालियों में ये परीक्षा होगी। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है कि कहीं भी कोई भी चूक ना होने पाए, किसी भी लापरवाही के कारण बच्चों को इसका अंजाम ना भुगतना पड़े, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बुलंदशहर में पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है, प्रदेश भर में यह परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 पालियों में आज परीक्षा थी। प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है, दूसरी पाली के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि 3 बजे से यह परीक्षा होगी। 5 दिन में कुल 10 पालियों में ये परीक्षा होने जा रही है। बुलंदशहर में इसके लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर आला अधिकारी नजर आए और बता दें कि डीएम और एसएसपी ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पिछली बार हुई कहीं ना कहीं चूक को लेकर इस बार काफी विशेष ध्यान दिया गया।
कि किसी भी लापरवाही के कारण बच्चों को इस परीक्षा का जो रिजल्ट आने वाला था उसका अंजाम ना भुगतना पड़े। पिछली बार हुई चूक को लेकर उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि आज लाखों परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। बुलंदशहर में भी इसी कड़ी में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश भर में ये परीक्षा चल रही है। बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्रों पर हजारों परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने जा रही है। और ये परीक्षा 10 पालियों में होगी। 5 दिन में ये परीक्षा समाप्त होगी। 31 अगस्त तक ये परीक्षा चलने वाली है।